मुझे विश्वास है आप प्रभु के दया से बिल्कुल ठीक से होंगे। हम आपके लिए वचन से पढ़ना चाहेंगे लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 29 और 30 पद। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। बचपन से ये कहानी मुझे बहुत फैसिनेट करती आई है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं इस कहानी को पढ़ के बहुत हैरान होता था और मैं सोचता था प्रभु आप कितने सामर्थी परमेश्वर हैं, आपको ये पता है कि सामने वाले गांव में क्या हो रहा है और आपको ये मालूम है कि वहां पे गधी का बच्चा है जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा हुआ है और उसको जाके खोल करके ले आओ। आई मीन यू आर सो पावरफुल गॉड, आप बहुत ही सामर्थी परमेश्वर, आपको तो सब कुछ पता है। मैं बड़ा हैरान होता था इस कहानी को सुन करके और पढ़ करके। एक विशेष बात हुई इसके बाद में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और वो ये कि मैं बड़ा हो गया। और इंटरेस्टिंग इसलिए हुई क्योंकि बहुत से लोग अपने उसी जीवन में बड़े नहीं होते और उसी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, उसी सीमित ज्ञान में रहते हैं जो थोड़ा बहुत उनको पता होता है और बस उसी में ही उनका पूरा जीवन जो है बीत जाता है। पर मेरे प्रिय खूबसूरत काम हुआ और वो ये कि प्रभु मुझे आगे क्यों लेके गए और मैं बड़ा हो गया और मैं सोचने लगा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसमें आखिर इतना विशेष क्या है कि अगर परमेश्वर को ये पता है कि सामने वाले गाँव में क्या, इसमें विशेष क्या है। अगर उसको ये पता है कि वहां पे गधी का बच्चा है उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसमें विशेष क्या है। अगर उसको ये पता है कि चार गांव में उसके आगे क्या हो रहा है या पड़ोस के देश में क्या हो रहा है या फलाने घर में क्या हो रहा है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, उसमें विशेष क्या है। क्या वो परमेश्वर नहीं है? इज ही नॉट गॉड? और क्या उसको सारी बातें मालूम नहीं होनी चाहिए? क्या वो परमेश्वर नहीं? इज ही नॉट गॉड? क्या उसको ये सारी बातें मालूम नहीं होनी चाहिए? और क्या ये बात हमको नहीं मालूम होनी चाहिए कि वो परमेश्वर है और उसको ये सारी बातें मालूम होंगी? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसमें विशेष क्या है कि अगर उसको ये पता है कि सामने वाले गांव में क्या हो रहा है या आगे वाले गांव में क्या हो रहा है या फलानी जगह पे क्या हो रहा है या इस परिवार में क्या हो रहा है या वहां क्या, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, अगर उसको भविष्य मालूम है इसमें विशेष क्या है। ये तो ठीक उसी तरीके से हुआ कि आप अपने मैथ्स टीचर के पास में जाएं और आप उससे पूछे कि सर क्या आपको पता है कि 2+2 क्या होता है? अगर वो आपको जवाब दे दे यस 4 होता है, आप बड़े हैरान होकर के एंड बहुत शॉक होकर बड़े सरप्राइज होकर घर लौटे कि अरे मम्मी आपको पता मेरे टीचर तो बहुत इंटेलिजेंट है और उसको पता है कि 2+2 क्या होता है। मेरे प्रियो आपके मैथ्स टीचर को उससे कहीं ज्यादा मालूम है। ये तो उसी तरीके से हुआ कि आप अपने इंग्लिश टीचर के पास में जाएं और आप उससे पूछे मैम क्या आपको ABCD आती है और क्या पूरी आती है एंड क्या वो भी आता है, वो LMNOP भी आता है आपको? और जब टीचर पूरी ABCD आपको सुना दे यू कम होम सरप्राइज एंड शॉक, पूरी तरीके से आप हैरान और परेशान होकर घर लौटे अरे मेरे टीचर को तो सब कुछ आता है, पूरी ABCD आती है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, उसको उससे भी कहीं ज्यादा मालूम है। इज ही नॉट गॉड? क्या वो परमेश्वर नहीं है? और क्या उसको ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि फलाने गाँव में क्या हो रहा है और सामने वाले देश में क्या हो रहा है और उस जगह क्या हो रहा है, क्या उसको मालूम नहीं होना चाहिए? कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर वैसे ही होंगे जैसे हमारे कुछ बड़े रिश्तेदार होते हैं, हमारे चाचा ताऊ मामा फूफा, बस ऐसे ही होगा, वो कुछ अच्छी बातें होंगी कुछ गड़बड़ बातें, कुछ जानता होगा कुछ नहीं जानता होगा। कई बार हमको ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर बस ऐसे ही है। मेरे प्रियो वो परमेश्वर, We need to know that, ये बात हमको अपने मन के अंदर बसा लेनी है कि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य के तरीके से नहीं है जिनको हम देखते हैं और जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम कहते हैं वाओ ये कितने बड़े हैं और ये कितने विशेष हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो मनुष्य के तरीके से नहीं, He is God, वो परमेश्वर है और उसको सब कुछ मालूम है और वो सब कुछ कर सकता है। आप देखिए मेरे प्रियो मेरे साथ में लूका उसका 7वां अध्याय और उसके 11 पद से हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया जी। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी जी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा जी, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जी, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग जी, उसके साथ थे जी, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने आकर अर्थी को छुआ उठाने वाले है
ठहर गए। उसने कहा जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा जी। उसने उसे जी उसकी माँ को सौंप दिया। उसको उसकी माँ को सौंप दिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। He is God. और उसके लिए सब कुछ संभव है। He can do everything. वो सब कुछ को करने में सामर्थी परमेश्वर। वो मेरे प्रियो आपकी कल्पना के अनुसार नहीं है। He is God. और हमको इस बात को पहचानना कि नहीं, वो परमेश्वर। और इसमें कोई हैरान करने की बात नहीं। अगर उसको पता है कि सामने वाले गांव में क्या हो रहा है, इसमें आपको सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। वो परमेश्वर है। He is God. नए नगर में जब वो एंटर करता है, वहां पे एक अर्थी जा रही है, एक जवान लड़के की अर्थी जा रही है, अपनी माँ का एक लौता बेटा है, और माँ जो है विधवा है। So much of pain, यीशु उस पेन को देख करके वहां पे दया से भर गए। उसने अर्थी को रुकवाया और लड़के को उठा के खड़ा करके और अपनी माँ को वापस सौंप दिया। Why could he do it? क्यों कर सकता था वो इस तमाम कामों को? Because he was God. वो परमेश्वर है। इसमें हैरानी की क्या बात है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। जो कुछ आपको दिखाई देता है और जो कुछ आपको नहीं भी दिखाई देता है, वो सब कुछ और भी कहीं ज्यादा सब कुछ उसने बनाया है। He has made it. वो सब कुछ जानता नहीं मेरे प्रियो, पर उसने सब कुछ को बनाया। वो सिर्फ सब कुछ जानता ही नहीं है, पर उसी ने सब कुछ को बनाया। उसने कह दिया और सब कुछ हो गया। He spoke and everything came into order. उसने बोल दिया और सब कुछ हो गया। Why? Because he is God. काश कि इस बात को हम समझें, काश कि इस बात को हम समझें कि वो परमेश्वर है। जब हम लोग संडे स्कूल में जाते थे, हमें बड़े अच्छे गाने को गाते थे। He has got the whole world in his hand. पूरा दुनिया जो है उसके हाथ में है। पूरा संसार जो उसके हाथ में मेरे प्रियो, आप हैरान मत हो। He is God. वो परमेश्वर। आप एक और पद को हमारे साथ में देखेंगे, जल्दी से यशायाह उसका 46वां अध्याय उसके 10वें पद को देखिए क्या लिखा है। Isaiah 46:10 मैं तो अंत की बात, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। क्या कह रहे हैं आप परमेश्वर? उनकी घोषणा करता है जो अंत में होने जा रहा है। उसकी बातों की घोषणा मैंने शुरू से की। आई बीन डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अंत की बातों को वो शुरू से करता है। वो सिर्फ उसको ये नहीं जानता कि सामने वाले गांव में क्या हो रहा है और फलानी जगह पे क्या हो रहा है लेकिन वो तो अंत को शुरू से ही जानता है। He is God. क्या आपने इस पद को पढ़ा वचन? क्या आपने इस पद को परमेश्वर के वचन में पढ़ा? क्या कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? He is God. और वो अंत की बातें शुरू से करता आया है। उसको सिर्फ ये नहीं मालूम है कि भविष्य क्या है, पर वो अंत की बातों को शुरू से करता आया है। और वो क्या कह रहा है? बताता आया हूँ जी, जो अब तक नहीं हुई मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Read again, last section. मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, I am a very powerful God, मैं बहुत सामर्थी परमेश्वर और मुझे मालूम है कि कल क्या होने जा रहा है और परसों क्या होने जा रहा है और अगले साल क्या होने जा रहा है, मैं तुमको बता दूंगा कि क्या होने जा रहा है। नहीं, वो कह रहा है जो मेरी इच्छा है वो होने जा रही है। जो मेरी इच्छा है वो होने जा रही। मैं परमेश्वर, I am God, मैं परमेश्वर, और जो मैंने ठाना है जैसा मैंने चाहा है उसी प्रकार से चीजें होंगी। मेरे प्रिय, आवश्यकता इस बात की कि अपने बचपने से हम बाहर निकल आए और हैरान ना हो इस बात में, अरे परमेश्वर कितने सामर्थी परमेश्वर, उसको मालूम है। नहीं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है और वो कहीं ज्यादा सामर्थ्य आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया, हमेशा आपने हमको सारी बातें जो आगे होने वाली थी खोलकर बताया है प्रभु जी। और अब चाहते हैं कि हम आपके समझ पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी इच्छा पर भरोसा करें। हम घबराए ना, हम डरे नहीं, हम कंफ्यूज ना हो प्रभु, पर पिता परमेश्वर ये जान रखें कि आपके हाथों में हमारा जीवन है। पिता आपने जो कहा है वो निश्चय रूप में पूरा होता है प्रभु जी। और हम चाहते हैं हम समय लोगों की प्रियों की सहायता करें कि आपके वचन पर और आपकी प्रतिज्ञाओं पर, उन तमाम बातों पर जो आपने पहले से कह रखी है, हम उस पर विश्वास करें पाए। हम अपना दिमाग ना लगाए प्रभु, हम समझदार होने पाए, हम परिपक्व होने पाए। पिता आप मदद करें, पिता हम चाहते हमारे विश्वास बढ़ने पाए। पिता मेरे प्रियों की मदद करें प्रभु, हर एक अविश्वास का उपाय करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आप मेरे लोगों पर दया करें, इन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता। सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने सब कुछ पहले से बता के रखा है। धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए और आपकी सहायता के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह।